करते हैं। तो देखो 12 देखते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी होगी, तो क्या लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म 12 के लिए? देखो वो है 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3, 1 1 1 और यहां पे आपका 4 0 2 4 0 2, ऐसा आएगा। अच्छा सॉरी, एक्स वाई जेड भी लिखना होगा, इधर आपका एक्स वाई जेड और यहां पे 4 0 2 4 0 2 हमने इस तरीके से इसमें लिख लिया है। अब ये हमारा ए है, ये हमारा एक्स है और ये बी है। एक्स निकालने के लिए हमें ए इनवर्स बी करना होगा, एक्स निकालने के लिए हमें ए इनवर्स बी करना होगा और ए इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है, और एडजॉइंट ए निकालोगे, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट कितने आपके आएंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर है 12, और 12 का जो डिटरमिनेंट आएगा आपका सॉल्व करने पे, ठीक है, 12 का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो 10 आएगा और इसका जो एडजॉइंट ए आएगा वो आएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। बस अब कर लेते हैं सॉल्व। अब आपका क्या होता है इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, तो कितना आ जाएगा 1/10 और एडजॉइंट ए हमारा है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब तुम्हें क्या करना है, एक्स निकालना है, तो एक्स क्या होता है ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स के लिए रख दो 1/10 और ये है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी कितना है 4 0 2 है, बी क्या है 4 0 2 है। चलो करो मल्टीप्लाई, तो 1/10 ब्रैकेट 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 0 0 2 × 2 = 4, -5 × 4 - 20 +0 + 10, ये आपका 4, ये आपका 0 और ये 6, तो ये आएगा 1/10, ये आएगा 20 - 10 और ये 10, 10 से डिवाइड करोगे तो ये 2 - 1 1 आएगा, तो ये कैपिटल एक्स के बराबर आया ना। तो कैपिटल एक्स होता क्या है, एक्स वाई जेड होता है और ये हमारा कितना आ गया 2 - 1 1, तो कर दो कंपेयर, एक्स बराबर 2 हो जाएगा, वाई इज्कल टू माइनस 1 हो जाएगा और जेड इज्कल टू 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लें आंसर, एक्स 2 है, वाई माइनस 1 है और जेड 1 है, ठीक है, सही है। तो एक्स 2 आ गया, वाई 1 आ गया और जेड 1 के इक्वल आ गया। अब आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए।